एक बिजनेसमैन को काफी लॉस उठाना पड़ा, तो उसने उधार पैसे लिए ब्याज पर, और जिससे पैसे लिए थे उसको दे नहीं पा रहा था, लौटा नहीं पा रहा था, और पैसे मांगने वाला एक दिन भी रुक नहीं रहा था। पैसे मांगने वाला आदमी बूढ़ा था और उसे बिजनेसमैन की बेटी हासिल करनी थी, शादी करनी थी, इसलिए बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं सारा कर्ज माफ कर दूंगा अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। बिजनेसमैन ने मना कर दिया तो बूढ़े आदमी ने एक और ऑफर रखा कि एक काम करते हैं, गेम खेलते हैं जिसमें एक छोटी सी पोटली में दो पत्थर डालूंगा, एक व्हाइट होगा और ब्लैक होगा। बिजनेसमैन को बेटी को पत्थर उस पोटली में से निकालने हैं, अगर व्हाइट निकल गया तो सारा कर्ज माफ कर दूंगा और शादी भी नहीं करनी पड़ेगी, और अगर ब्लैक पत्थर निकल गया तो कर्ज तो माफ कर दूंगा लेकिन शादी करनी पड़ेगी। बाप और बेटी दोनों एग्री हो गए, पूरे गांव वालों को इकट्ठा करा, मुखिया भी वहां पे देख रहा था। जमीन से दो पत्थर उठा करके बूढ़े आदमी ने पोटली में डाले और लड़की ने देख लिया कि उस बूढ़े आदमी ने दोनों ही पत्थर ब्लैक डाले हैं, और ब्लैक पत्थर का मतलब हुआ कि कर्ज माफ लेकिन शादी करनी पड़ेगी। अगर लड़की गेम खेलने से मना कर दे तो शादी तो बच जाएगी लेकिन बाप का कर्ज माफ नहीं होगा, और अगर दोनों ही पत्थर निकाल के उस बूढ़े इंसान की बेइज्जती कर दे तो वो आदमी कभी ना कभी बदला जरूर लेगा। इसलिए लास्ट ऑप्शन था कोई एक पत्थर निकालो जो कि ब्लैक ही निकलेगा और कर्ज माफ के साथ में उसको शादी करनी पड़ेगी। लड़की ने चालाकी से गेम खेला, उसने एक पत्थर निकाला और एक्टिंग करके ग्राउंड पर गिरा दिया, और वो पत्थर नीचे गिरे बहुत सारे ब्लैक और व्हाइट पत्थर में मिल गया। लड़की ने कहा ओ शिट, ये मेरे से गलती से गिर गया, लेकिन एक काम करते हैं, दूसरा पत्थर भी पोटली से निकाल करके चेक कर लेते हैं, अगर पोटली में से अब व्हाइट निकला तो मैंने जो उठाया था वो ब्लैक था, और अगर पोटली में से अब ब्लैक निकला तो मैंने जो उठाया था वो व्हाइट था। बूढ़ा व्यक्ति वहीं पे फंस गया, पोटली से दूसरा पत्थर निकाला तो वो ब्लैक निकला, यानी कि नीचे गिरा हुआ पत्थर व्हाइट था, और ये पूरा गांव देख रहा था, मुखिया भी देख रहा था कि अब कर्ज माफ हो चुका है और शादी भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि पत्थर जो उठा के नीचे गिरा दिया था गलती से वो व्हाइट था। इसे कहते हैं टफ सिचुएशन में चालाकी से दिमाग चलाना। इसी तरह से छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से मैं आपको ऐसे ऐसे बड़े बड़े लेसन देने वाला हूँ जो आपके जिंदगी भर काम आने वाले हैं। तो बिना एक सेकंड भी बर्बाद करे आते हैं दूसरी कहानी पर। एक बिजनेसमैन बीच के किनारे बैठा था, मछुआरों को देखा तो बोला कि इतनी मछली पकड़ने में आपको कितना वक्त लग जाता है। मछुआरा बोला ज्यादा नहीं, थोड़ा ही लगता है। बिजनेसमैन, तुम थोड़ी देर और फिशिंग करके कुछ और फिश क्यों नहीं पकड़ लेते, ज्यादा पैसा कमा लोगे। मछुआरा, और फिश क्यों, इतने काफी है ना। बिजनेसमैन, तो बाकी के टाइम करते क्या हो। मछुआरा, फिशिंग करके घर जाता हूँ, वाइफ बच्चों और दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करता हूँ, शराब पीता हूँ, मजा करता हूँ, गिटार बजाता हूँ, नाच गाना चलता है, पार्टी होती है, फिर सो जाता हूँ। बिजनेसमैन, तुम ज्यादा फिशिंग करके पैसे कमाओ, सेविंग करो और उसे बोट खरीद लो जिससे और ज्यादा फिश पकड़ पाओगे कम वक्त में, और इस तरह से एक और बोट ले लो और इस तरह से तुम अपनी टीम बना लो, अपना काम दूसरों को भी सिखा लो, वो आपके लिए काम करेंगे। कंपनी सेटअप कर लो, एक प्रोडक्शन प्लांट बना दो, फिश की पैकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल कर सकोगे और एक सिटी के अलावा दूसरी सिटीज में भी अपनी ब्रांचेस खोल दो। मछुआरा शांत रहा और बोला उसके बाद। बिजनेसमैन, अरे उसके बाद क्या, एक बीच हाउस खरीद लेना, फैमिली के साथ में एंजॉय करना, फिशिंग करना, सुबह शाम आराम करना, तुम्हारी टीम काम कर रही होगी, रात को दारू पार्टी म्यूजिक और जलसे चलते रहेंगे। मछुआरा, बट ये तो मैं अभी भी करता हूँ। बिजनेसमैन आगे कुछ बोल नहीं पाया, पता चला कि उसने अपना बिजनेस छोड़ दिया और फिशरमैन के साथ में रहना शुरू कर दिया। आप कुछ भी कर रहे हो, आप पता करो कि उसके बाद क्या, वो क्यों पाना है, वो क्यों करना है। अगली स्टोरी, एक बार एक लड़का अमीर बनना चाहता था और वो गुरुजी से कहता है कि कोई काम बताओ जिससे मैं बहुत कमा सकूं। गुरुजी उसे एक जगह ले गए जहां पर बहुत सारी कंकड़ पड़ी थी और कहा कि इन सारे कंकड़ में से एक कंकड़ ऐसी है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकती है, और उस कंकड़ की पहचान है कि वो थोड़ी सी गर्म होगी बाकी सारी ठंडी होगी। जाओ ले लो अपनी हर चीज को सोने में बदल देने वाली कंकड़। वो काम पे लग गया, रोज एक एक कंकड़ हाथ में लेता, 2-3 सेकंड गर्म है या नहीं चेक करता और उसको समुद्र में फेंक देता ताकि वो बाकी कंकड़ में ना मिल जाए। 1 महीना करा, रोज घंटों लगा दिए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगा दिए। अब उसकी स्पीड बन चुकी थी लेकिन साथ में वो ध्यान से कंकड़ को परख नहीं रहा था। उसकी फटाफट से कंकड़ को हाथ में लेकर समुद्र में फेंकने की हैबिट बन चुकी थी। 5वें महीने में फाइनली वो कंकड़ हाथ में लग गई। हाथ में आते ही क्योंकि उसके जल्दी से बिना परखे फेंकने की आदत बन चुकी थी तो उसने उस गर्म कंकड़ को भी समुद्र में फेंक दिया, और फेंकते ही उसने जोर से अपने सर पर मारकर चिल्लाकर पछतावा करा कि मैंने ये क्या कर दिया, हर चीज को सोने में बदल देने वाली कंकड़ को भी फेंक दिया। ठीक इसी तरह हर दिन को हल्के में लेने से ये आपकी हैबिट बन जाती है, और जिस दिन अच्छा मौका आता है उसे भी इसी आदत की वजह से गलती से उसको भी हल्के में ले लेते हैं, फिर बाद में होता है पछतावा। हर कंकड़ को ध्यान से परखो, यानी कि हर दिन को इम्पोर्टेंट समझो, कोई एक दिन, कोई एक कंकड़ आपकी जिंदगी को सोने में बदल सकता है। अगली कहानी,
एक बाप अपने बेटे के साथ में रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है और नोटिस करता है कि रेस्टोरेंट की हालत काफी खराब है, गंदगी है, टेबल टूटी हुई है, खाना भी टेस्टी नहीं था। बेटा पिता से कहता है कि हम कितने गरीब हैं और कितनी मेहनत करते हैं, इनके पास ये होटल है, चाहे तो कितना बड़ा कर सकते हैं लेकिन ये कर नहीं रहे, तो ये रेस्टोरेंट पे मेहनत क्यों नहीं कर रहे। खाना खाकर बिल पे करते वक्त ओनर से लापरवाही का कारण पूछा तो बोला, इस रेस्टोरेंट में इतनी कमाई नहीं है, लोग आते ही नहीं है, इसलिए हम इस पे ध्यान देते नहीं है ना इन्वेस्ट करते हैं, हमारी कमाई एक ट्रक चलती है उससे हो जाती है। लड़के के पिता ने ट्रक सामने ही देखी और चुपके से उस ट्रक का इंजन ऐसा खराब कर दिया कि वो ठीक हो ही ना पाए। ठीक 3 साल के बाद में बेटा वहां से जाता है और देखता है कि वहां पे बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खड़ा हो गया है, 5-6 फ्लोर बन चुके हैं और क्या शानदार उसका लुक है। बेटे ने रेस्टोरेंट के ऑनर से बात करी कि इतना सब कुछ कैसे हुआ, तो उसने बोला कि मेरी कमाई एक ट्रक चलती थी उससे होती थी और मैं रेस्टोरेंट पे बिल्कुल ध्यान देता ही नहीं था, लेकिन पता नहीं किस कारण से वो ट्रक खराब हो गई और उसे कोई ठीक कर ही नहीं पाया, इसलिए पैसे कमाने के लिए मजबूरन मैंने रेस्टोरेंट पर ध्यान दिया और पता चला कि होटल मैनेजमेंट और बिजनेस करना मेरे अंदर था, मेरी अंदर की आवाज थी। मैंने पूरे रेस्टोरेंट का रंग रूप बदल गया, कुक बदल दिए, वेटर्स बदल दिए, मैंने 5 और सिटीज में रेस्टोरेंट्स खुलवा दिए और वहाँ मैनेजर बैठा दिए। आज मैं उस ट्रक से 50 गुना ज्यादा कमाता हूँ। दोस्तों, आपकी जिंदगी की वो कौन सी ट्रक है जो आपके टैलेंट और अंदर की आवाज से दूर कर रही है। अगली कहानी, एक इंसान को डॉक्टर बनना था पर डॉक्टर की तैयारी करने में जो मेहनत लगती है उस मेहनत में मजा नहीं आता। उसने हर जगह रिश्वत दी, पास हो गया, डॉक्टर बनने तक सेटिंग चलाई, सर्टिफिकेट पा लिया, डॉक्टर बन गया, हॉस्पिटल खोल दिया। उसके पास में एक्सीडेंट का केस आया जो कि सीरियस था, ऑपरेशन उससे मैनेज हो नहीं पाया क्योंकि उसने तैयारी कर ही नहीं थी, उसके हाथ से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, उससे केस मैनेज नहीं हुआ और पेशेंट की डेथ हो गई। वो नकली डॉक्टर बहुत पछताया ये करके, उसके डॉक्टर बनने की सारी फैंटेसी वहीं पे उतर गई और उसके फादर बाहर खड़े उनसे कहने गया कि मैं नहीं बचा सका, तो पता चला कि उसके पिता ही वो उन लोगों में से एक इंसान थे जिसने रिश्वत ली थी। फादर को कर्मा मिला तो डॉक्टर को शॉर्टकट लेने का नतीजा मिला। डोंट टेक शॉर्टकट, एक दिन कामयाबी संभाल नहीं पाओगे, तैयारी करो। नेक्स्ट स्टोरी, एक इंसान बुद्ध से अपनी किस्मत पूछने जाता है तो रास्ते में एक आदमी मिलता है और कहता है कहाँ जा रहे हो, वो बोला बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, तो बोला कि मेरी बेटी बोल नहीं सकती है, बुद्ध से पूछना कि वो कब बोलना शुरू करेगी। आगे गया तो जादूगर को मिला, कहाँ जा रहे हो, बोला बुद्ध के पास जा रहा हूँ, तो बोला मेरा भी सवाल है, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ, तो मेरा भी पूछ के आना कि मैं कब जाऊँगा। आगे गया तो एक कछुआ मिला, कहाँ जा रहे हो, बोला कि बुद्ध के पास जा रहा हूँ, तो बोला कि यार मैं काफी टाइम से ड्रैगन बनना चाह रहा हूँ, बन नहीं पा रहा हूँ, तो मेरा भी पूछ के आना। फाइनली बुद्ध से मिला तो वो बोले कि आप केवल 3 ही सवाल कर सकते हो। उसने सोचा कि मेरी तकलीफ तो काफी छोटी है, इन 3 लोगों की ही बोल देता हूँ। तीनों की तकलीफ सुनकर बुद्ध बोले, कछुआ ड्रैगन बनेगा जब वो कवच छोड़ देगा, जादूगर स्वर्ग जाएगा जब वो अपनी जादू की छड़ी को छोड़ देगा, और लड़की बोलना शुरू कर देगी जब उसको लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। वापस आते वक्त उस इंसान ने कछुए से कहा कि तुम अपना कवच छोड़ दो, ड्रैगन बन जाओगे। उसने जैसे ही कवच छोड़ा ड्रैगन बन गया और बहुत सारे मोती गिरे जो मोती उस इंसान ने रख लिए। आगे जाकर जादूगर से मिला और कहा कि तुम ये छड़ी छोड़ दो तो तुम स्वर्ग चले जाओगे। छड़ी छोड़ दी और वो छड़ी उस इंसान ने रख ली और वो स्वर्ग चला गया। उसके बाद में आखिर में वो लड़की से मिला तो लड़की ने आगे से ही बोल दिया कि तुम वही आदमी हो ना जो पहले आए थे। लड़की बोल पड़ी, मतलब वो इंसान उस लड़की का लाइफ पार्टनर बन गया। सबने कुछ ना कुछ खोया और कुछ पाया, लेकिन सबसे ज्यादा उस इंसान ने पाया जिसने अपने लिए एक भी सवाल नहीं करा। वो इतना दूर जाने के बाद भी अपना एक भी सवाल नहीं करा, उन तीनों के लिए सवाल करा जिसे मिले मोती, जादू की छड़ी और लाइफ पार्टनर। जितना बड़ा त्याग उतनी बड़ी सक्सेस। अगली कहानी, एक साधु कड़ी तपस्या कर रहा था और तपस्या के वक्त ही उस गांव में बाढ़ आ जाती है। लोग सब घर छोड़ के जा रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, तो एक ने देखा तो साधु को अलर्ट करा कि चलो वरना तुम डूब जाओगे। साधु बोला कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे ईश्वर बचा लेगा, मैं इतने सालों से कड़ी तपस्या कर रहा हूँ, वो मुझे बचा ही लेगा। थोड़ी देर बाद में पानी कमर तक आ गया, वहां पे नाव निकलने लगी, एक आखिरी नाव जा रही थी, लोगों ने कहा कि आ जाओ वरना डूब जाओगे। साधु ने कहा मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, मुझे ईश्वर बचा लेंगे। अब पानी इतना बढ़ चुका था कि साधु को पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ गया, वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स जा रहे थे काफी सारे। एक आखिरी हेलीकॉप्टर की नजर पड़ी साधु पर और रस्सी फेंक कर कहा कि रस्सी को पकड़ लो, ये आखिरी हेलीकॉप्टर है, आप डूब जाओगे। तो साधु ने कहा कि आप चले जाओ, मुझे ईश्वर बचा ही लेंगे। और इस तरह से साधु की डूबने से मौत हो जाती है। मरने के बाद में वो ईश्वर से कहते हैं कि मुझे आपने बचाया क्यों नहीं, मैंने जिंदगी भर आपके लिए तपस्या करी और आपने मुझे बचाया नहीं। ईश्वर ने कहा कि मूर्ख इंसान, मैं 3 बार ही आया था, 3 बार मैं ही तो था, 1 बार पैदल, 1 बार नाव के साथ और 1 बार हेलीकॉप्टर के साथ।
जब मौके होते हैं तब हम पता नहीं किसका इंतजार कर रहे होते हैं और हम एक्शन नहीं लेते हैं, और उसके बाद में जब वक्त निकल जाता है हम पछतावा करते हैं। अगली स्टोरी, कुछ बंदरों को एक पिंजरे में डालकर पिंजरे में केले लटका दिए गए। अब जैसे ही कोई बंदर केले खाने के लिए पास में जाता तो ऊपर से ठंडा पानी गिरा दिया जाता। पानी गिरने की वजह से सारे बंदर गीले हो जाते। अब क्योंकि कोई भी बंदर केले के पास जाता तो ठंडा पानी गिरा दिया जाता, तो उन्होंने नियम बना लिया कि कोई भी बंदर अगर केले के पास में गया तो उसकी धुलाई होगी। कुछ दिन बाद एक पुराने बंदर को निकाल करके एक नए बंदर को उस पिंजरे में डाल दिया। नए बंदर ने केले देखे, पास जाने लगा, उसको पता ही नहीं क्या होगा। केले के पास जाते ही बंदरों ने उसकी धुलाई कर दी। नया बंदर समझ ही नहीं पाया कि मेरी धुलाई हो क्यों रही है। फिर से एक और पुराना बंदर निकाल करके एक नया बंदर उसमें डाल दिया गया। अब जैसे ही वो नया बंदर फिर से केले देखता है, पास जाता है, उसकी भी धुलाई होती है, लेकिन इस बार इस धुलाई में पिछला वाला नया बंदर भी शामिल था जिसको पता ही नहीं है कि धुलाई करनी क्यों है। ऐसे करते करते सारे पुराने बंदर जिनको पानी वाली बात पता है उनको निकाल करके नए बंदर डाल दिए जिनको पता ही नहीं है कि धुलाई करनी क्यों है। और इस तरह से सब एक दूसरे की धुलाई कर रहे थे, किसी को नहीं पता कि धुलाई क्यों कर रहे हैं। हम सब अपने सपनों को इसी तरह पीटते हैं। क्यों पीट रहे हैं किसी को नहीं पता, बस सिखाया गया है, कुछ सिस्टम बना दिया गया है, क्यों है पता ही नहीं है। हो सकता है किसी के ऊपर ठंडा पानी गिरा होगा, यानी कि वो फेल हुआ होगा, जिसकी वजह से उसने कोई नियम बना लिया। अब लेकिन दिक्कत यह है कि आपके ऊपर वो ठंडा पानी नहीं गिरने वाला है, यानी कि आप फेल नहीं होने वाले हो, फिर भी आप उस पुराने नियम को मान रहे हो जो कि तब बना था जब वो फेल हुए थे, जब उनके ऊपर ठंडा पानी गिरा था। अगली कहानी, क्या आपको पता है कि बर्तन में पानी डालकर उसमें मेंढक डालें और उसको गर्म धीरे धीरे तो मेंढक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर लेता है। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू होती है, जब पानी गर्म होते होते एक लिमिट से ज्यादा गर्म हो जाता है तब वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है और वो बाहर आ नहीं पाता है, क्योंकि उसके कूदने की एनर्जी खत्म हो चुकी है, वो घायल हो चुका है बहुत ज्यादा गर्म हो जाने की वजह से। उसने अपने सारी एनर्जी शुरू में ही अपने आप को एडजस्ट करने में दे दी। वो चाहता तो एक छलांग से उसी टाइम बाहर आ सकता था और आखिर में वो मर जाता है। मेंढक की किससे हुई? गर्म पानी से नहीं हुई, मौत हुई राइट टाइम पर जंप ना लेने की वजह से। अच्छे वक्त का इंतजार मत करो, बस कूद जाओ, उसके बाद में सही कर दो। सब सही करने का सोचकर मत कूदो, क्योंकि कभी नहीं कूद पाओगे। और कहते हैं कि सबसे अच्छा कूदने का वक्त तब होता है जब आप तैयार नहीं होते हो, क्योंकि कूदने के बाद तैयारी होती है। अगली स्टोरी, एक औरत को अपनी सांस पे बहुत गुस्सा आता था। वो गई ऐसे इंसान के पास जो जहर दे सके। उसने कहा कि मैं जहर देता हूँ पर इसको थोड़ा थोड़ा करके खिलाना है और 2 महीने बाद मौत हो जाएगी आपके सांस की। पर 2 महीने तक अपने सास से अच्छे से बात करनी होगी, ध्यान रखना होगा ताकि तुम्हारे पति को 1% भी शक ना हो। 2 महीने तक उसने थोड़ा थोड़ा रोज जहर दिया, बहुत मोहब्बत से रहती, उसका मन करता कि एक ही दिन में सारा जहर दे दे, लेकिन ऐसा करने से उसके पति को शक हो जाएगा, इसलिए उसने पहले बनाई। 2 महीने रोज थोड़ा थोड़ा जहर दिया, अपने सास के साथ में अच्छे से रही। 2 महीने होने ही वाले थे, वो जहर देने वाले के पास में गई और बोली कि कुछ ऐसा कर दो कि उनकी मौत ना हो, क्योंकि अब मुझे उनसे प्यार हो गया है, मुझे उनमें कोई कमी नहीं नजर आती है। दोस्तों, हर इंसान अच्छा लगने लग जाता है जब उनसे बनाने की कोशिश करता है। अगली स्टोरी, एक शूज के बिजनेस ओनर ने 2 लोगों को फ्रेशर पर लगाया और काम दिया कि जो इस काम को करेगा उसकी नौकरी रहेगी, बाकी दूसरा फायर हो जाएगा। दोनों को एक ही जगह एक आईलैंड पे भेज दिया और कहा कि जाके पता करो कि वहाँ पे हम कितने शूज बेच सकते हैं, क्या वहाँ पे बहुत बड़ी शॉप बन सकती है या नहीं। वहाँ जाने के बाद में देखा कि लोग जूते पहनते ही नहीं है, तो एक ने बॉस को मेल करा कि सर यहाँ पे तो लोग जूते पहनते नहीं है, हम बिजनेस यहाँ पे नहीं कर सकते। और दूसरे वाले ने मेल करा कि सर यहाँ पे तो लोग जूते पहनते नहीं है, ये तो अपॉर्चुनिटी है, इसका मतलब यह कि हम करोड़ों में कमाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ किसी ने अब तक शूज पहने स्टार्ट करे ही नहीं है, यानी कि सबको शूज खरीदने की जरूरत है। पॉजिटिव साइड देखने वाले की जॉब लग गई, और दूसरा जो कहता था कि यहाँ पे शूज नहीं बेच सकते उसको फायर कर दिया। कोई भी कमी होती है उसको अपने फायदे में इस्तेमाल करो, वहाँ पे परेशान मत हो। अगली स्टोरी, एक ऊंट का बच्चा अपनी माँ से कहता है कि हमारी कमर पर एक कुबड़ क्यों होती है, तो जवाब में मिला कि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है तो पानी को स्टोर हम कर सकते हैं। अगला सवाल करा कि हमारे पैर जो है वो फैले हुए क्यों होती है, तो माँ ने जवाब दिया कि ताकि रेगिस्तान पर अच्छे से चल सके। फिर सवाल करा कि हमारी आंखों की पलकें इतनी मोटी और बड़ी क्यों है, तो जवाब में मिला कि रेगिस्तान में तेज हवा में उड़ रही मिट्टी से बचने के लिए। ऊंट का बच्चा बहुत टाइम तक सोचने के बाद में बोलता है, हम अगर रेगिस्तान के लिए बने हैं, हमारी ताकत ही रेगिस्तान में रहने के लिए है, तो हम ये जू में क्या कर रहे हैं। हर इंसान की अपनी शक्ति होती है और उसका मैदान होता है, आपको वही करना चाहिए जो आपके लिए सही है। अगली स्टोरी,
एक राजा की आंखों में जलन हो रही थी, किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर से चेक करवाया तो पता लगा कि एक ऐसा इन्फेक्शन हो गया है जिसमें आप हरे कलर के अलावा कोई भी कलर देखोगे तो आपकी आंखों में जलन होगी और आंखें खराब होगी, एक टाइम के बाद आप अंधे भी हो सकते हो। राजा महल गया, सारे आदमी बुला दिए और कहा कि जितनी भी रोड है, जो भी जगह है जहाँ से मैं निकलता हूँ, वो सब हरा कर दो। हरे कलर के अलावा मुझे कोई कलर नहीं दिखना चाहिए जहाँ पे मैं जाता हूँ। पूरा गाँव, रोड, बिल्डिंग, जो जो चीज़ें, सब कुछ हरा कर दिया आसपास, सब कुछ। और ऐसा करने में बहुत पैसा भी खर्च हो रहा था, पूरा गांव हरा करना था यार। एक इंटेलिजेंट इंसान वहां से निकल रहा था, देखा कि यार ये सब कुछ हरा क्यों है, तो किसी से पूछा कि हरा क्यों है, तो कहा कि यार एक राजा है, उनको कोई इन्फेक्शन हो गया है, वो हरे कलर के अलावा कोई और कलर देखेगी तो उनको दिक्कत होगी। वो इंटेलिजेंट इंसान राजा के पास में गया और कहा, करोड़ों रुपए खर्च करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, पूरे गाँव को हरा करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, 100 रुपए का हरे कांच का चश्मा ही पहन लेते, बड़ी प्रॉब्लम का जरूरी नहीं है कि सोल्यूशन भी बड़ा हो। कई बार आसान सोल्यूशन सामने होता है, उसको देख नहीं पाते हैं क्योंकि हम आसान चीजें इग्नोर करते हैं। इसलिए अगली कहानी भी इसी के ऊपर है कि एक बार एक जादूगर था, वो कोई भी लॉक खोल सकता था, कोई भी ताला वो तार को मोड़ करके खोल सकता था। एक होशियार इंसान ने इस जादूगर को चैलेंज दिया कि इस जेल में जाओ और अब लॉक को खोल कर दिखाओ। उसने बहुत ट्राई करा लेकिन वो खोल नहीं पाया, उसने हार मान ली। होशियार इंसान कहता है कि तूने बहुत ताले खोले हो गए लेकिन ये नहीं खोल पाया, पता है क्यों? क्योंकि ये अनलॉक था, इसको मैंने लॉक करा नहीं था। कई बार जो नहीं है वो भी हम सॉल्व करने लग जाते हैं, यानी कि बेवजह सोचने लग जाते हैं। अगली स्टोरी, ये आखिरी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक राज्य में हर 5 साल में एक नया राजा बनाया जाता है और 5 साल कंप्लीट होने के बाद में उस राजा को एक ऐसे जंगल में भेज देते हैं जहाँ पर जंगली जानवर होते हैं और वो जानवर ही खा लेते हैं उस राजा को। एक राजा के 5 साल कंप्लीट हुए, उसको जंगल में भेज दिया गया और अब आया चालाक राजा। जब ये चालाक इंसान राजा बन जाता है तब वो लोगों से पूछता है कि 5 साल कंप्लीट होने के बाद में आप ऐसा कौन सा जंगल है जहाँ पर भेज देते हो। वो राजा अपने लोगों के साथ में उस जंगल में जाता है, देखता है कि वो काफी घना जंगल है, वहां पर काफी राजाओं की बॉडीज भी पड़ी है। राजा सोचता है कि 5 साल के बाद में मेरा भी ये हाल होने वाला है। उसने दिमाग लगाया और पहले ही साल में जंगल के सारे पेड़ कटवा दिए, जानवर हटवा दिए और दूसरे साल में डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया। रोड बननी शुरू हो गई, बिल्डिंग बननी शुरू हो गई, खेती होनी शुरू हो गई, गरीबों के रहने के लिए कुछ जगह बना दी, स्कूल कॉलेज सब बनानी शुरू कर दिए। 5 साल कंप्लीट होने से पहले जंगल का नाम और निशान मिटा लिया। ये सब करते करते राजा ने पैसे भी बहुत ज्यादा सेव कर लिए अपने लिए। 5 साल जैसे ही कंप्लीट हुए, राजा बोलता है कि मुझे भेज दो जहां पर आप भेजते हो हर परे। राजा को बोट में बैठाया जाता है क्योंकि जंगल का रास्ता नदी से आता है, तो बोट में बैठने से पहले वो काफी खुश होता है। लोग पूछते हैं कि आप इतने खुश क्यों, तो वो बोला कि हर राजा आता है, 5 साल राज करता है, मस्त रहता है राज करने में और 5 साल बाद जंगल में जाता है। मैंने 5 साल केवल राज नहीं करा, मैंने कड़ी मेहनत से घने जंगल को शहर बना दिया। मेरे 5 साल यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, अब मैं जिंदगी भर वहां राज करूंगा जहां जा रहा हूँ। क्योंकि राजा ने सेविंग भी करी थी तो वह पैसा लेकर वहां चला जाता है और इस नए जगह में उसकी इज्जत भी होती है क्योंकि गरीबों को बहुत घर भी दिए होते हैं। आप आज मेहनत करो कल के भविष्य के लिए। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही गाइज। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है ना तो कमेंट करके जरूर जाना, और अगर आपको पता नहीं चल रहा कि कमेंट में क्या लिखे यार, तो सिर्फ कमेंट में यस लिख देना कि यस इस वीडियो की वजह से मेरी लाइफ में थोड़ा सा बदलाव आया है। आपकी कमेंट्स देखकर मेरा हौसला बढ़ जाता है अगली वीडियो को और अच्छी बनाने के लिए, तो यस कमेंट करके जरूर जाना। मिलते हैं।